Good morning, students. I once again welcome you all in the geography class. And today we are going to continue with lesson 6, properties of seawater. We have already done two parts of the lesson, and this is the third part. Before moving to the next part, let us have a revision of the two parts what we have studied. In the previous two parts, we have studied about the change in the surface temperature, change of temperature in the surface water. सरफेस वाटर पे कैसे चेंजेस होते हैं सी वाटर के. यहाँ पर हमने ये पढ़े थे कि सी वाटर का जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, वो हर जगह पर अलग अलग होता है. ऑल्सो लैटिट्यूडनली अगर हम देखते हैं तो जो सरफेस टेम्परेचर है सी वाटर का वो इक्वेटोरियल रीजन से पोल्स की तरफ जैसे मूव करेंगे वो कम होते जाएगा. इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा रहता है और पोल्स की तरफ कम होता है. एवरेज टेम्परेचर जो इक्वेटोरियल रीजन में है दैट इज़ अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. इन द मिड लैटिट्यूड्स इट इज़ अबाउट 16 डिग्री सेल्सियस और पोल्स के पास में वो 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है. जैसे जैसे डेप्थ डिक्रीज होती है वैसे वैसे सन की इंटेंसिटी जो है या सन रेज का जो इफेक्ट है वाटर पे वो कम होते जाता है, दैट ऑल्सो डिक्रीजेस. बट आफ्टर द डेप्थ ऑफ 2000 मीटर्स की डेप्थ के नीचे ये जो सन रेज का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है और इसलिए सी वाटर में 2000 मीटर्स की डेप्थ के नीचे सभी तरफ टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा, इक्वल टेम्परेचर रहेगा. ऑल्सो लो इक्वेटोरियल एरियाज जो है वहाँ पर टेम्परेचर सी का जो है बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है इस कारण से. और लो लैटिट्यूड्स में टेम्परेचर ऑफ द लैंडलॉक्ड सीज इज हायर दैन द ओपन सी. ओपन सी से लैंडलॉक्ड सी का जो टेम्परेचर है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है. ऑल्सो सी में जहाँ पर रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पर और फ्रेश वाटर का सप्लाई काफ़ी कम होता है, ऐसी जगह पर भी इन द सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवापोरेशन वहाँ की सैलिनिटी कम होती है. तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस दो वीडियोस में पढ़े थे. लेट अस नाउ कंटिन्यू विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन. विल स्टार्ट दिस पार्ट विद एन एक्टिविटी. व्हाट यू हैव टू डू इज अ सिंपल एक्टिविटी है. यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लेना है, उसमें 1.5 लीटर्स ऑफ वाटर डालना है हमें और उसी में 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डालेंगे हम. सॉल्ट डालने के बाद में उसको अच्छे से स्टर करें. दिस एक्टिविटी इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. यू कैन जस्ट रीड थ्रू दैट एंड ट्राई टू डू दिस एक्टिविटी. यू कैन डू दिस प्रैक्टिकली, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे. इसके बाद हमें ये जो मिक्सचर हमने बनाया सॉल्ट और वाटर का उसको तीन कंटेनर्स में, सेम साइज़ के तीन कंटेनर्स लेके तीनों में उसको डिवाइड कर देना है और तीनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालना है. जो सॉल्टी वाटर हमने यहाँ पर डाले हैं उसका अमाउंट इक्वल होना चाहिए तीनों में भी. अब इसको पहचान के लिए हम यहाँ पर कुछ उसमें मार्किंग्स लगा देंगे कंटेनर्स पे. एक पे हमने डॉट बनाए, दूसरे पे हम स्क्वायर बना दो छोटा सा और तीसरे पे हमने एक क्रॉस बना दिए. इस प्रकार से तीनों को हम आइडेंटिफाई करने के लिए तीन अलग अलग उसमें निशान बना देंगे. ऐसा करने के बाद में अब आपको ये तीनों कंटेनर्स हैं इसमें पुट द वाटर कंटेनिंग सॉल्ट इक्वली इन द थ्री कंटेनर्स एंड मेक श्योर दैट द कंटेनर्स आर हाफ एम्प्टी आफ्टर फिलिंग द वाटर. ये कंटेनर्स को जब हमने तीन कंटेनर्स में डिवाइड किए तो उसमें सभी में आधी जगह खाली होनी चाहिए उसकी. और ये तीनों कंटेनर्स के ऊपर एक हमको कवरिंग देना है मेश की, यानी जाली की. वाटर को टेस्ट करके तीन कंटेनर्स में डालेंगे और एक को हम सन में रखेंगे. यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये धूप में हमने उसको रखा हुआ है सन के ऊपर. दूसरे जो दो कंटेनर्स हैं, तीनों में हमने इक्वल वाटर डाले हैं सॉल्ट वाटर. दूसरे जो दो कंटेनर्स हैं उसको हमने अपने क्लासरूम में, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे सो ऑफ कोर्स यू कैन कीप इट एट योर होम, अपने घर में ही उसको रखेंगे. रिमेनिंग टू इन द होम, यहाँ पे क्लासरूम के बदले आप होम कर सकते हैं. देन इसको भी हमें नेट लिड से कवर करना है. जैसे हमने सन में जो रखे थे कंटेनर उसमें कवरिंग दिए, सेम कवरिंग यहाँ पर भी हमको देना है. एक चेंज यहाँ पे करना है हमको तीनों में के, जो
क्लास में हम दो या घर में जो हम दो कंटेनर्स को रख रहे हैं, एक कंटेनर में हाफ ग्लास ऑफ वाटर डालना, फ्रेश वाटर डालना है जिसमें सॉल्ट नहीं है, और इनको तीनों को 3 से 4 दिनों के लिए छोड़ दें। आफ्टर यू लीव इट फॉर 3 to 4 days, देन यू विल सी दैट आफ्टर 3-4 days ऑल द कंटेनर्स को एक साथ लाओ और ऑब्जर्व करो कि वाटर लेवल कैसा हुआ है, और तीनों कंटेनर्स को टेस्ट भी करो उसका वाटर। पहले हमने टेस्ट किए थे, क्या टेस्ट था आपको याद होना चाहिए, या वो थोड़ा सा सॉल्टी था, अब और तीनों का टेस्ट सेम था। अब यहाँ पर हम देखेंगे जब हमने तीनों कंटेनर्स लाए तो तीनों के टेस्ट अलग अलग हैं, तीनों में वाटर का जो अमाउंट है वो भी कम है। ऐसा क्यों हुआ है, दैट इज़ वॉट वी हैव टू फाइंड आउट एंड स्टडी हियर। सो हियर यू आर गिवन सम क्वेश्चंस आफ्टर द एक्टिविटी, इन विच कंटेनर हैज़ द वाटर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, कौन से कंटेनर में वाटर इंक्रीज हुआ है या कौन से कंटेनर में वाटर डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमने एक कंटेनर जो सन में रखे थे, बाहर रखे थे, उस कंटेनर में सबसे ज़्यादा पानी कम हो चुका है। द वाटर हैज़ डिक्रीज इन द कंटेनर विच वॉज केप्ट इन द सन आउटसाइड, वेर एस द वाटर हैज़ इंक्रीज इन द कंटेनर, जिस कंटेनर को हमने क्लासरूम में रखे थे और उसमें फ्रेश वाटर ऐड किए थे, उस कंटेनर में सबसे ज़्यादा पानी है, उसमें बढ़ चुका है पानी। सेम सेकेंड क्वेश्चन, वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड दिस, अब एक में कम हो गया एक में ज़्यादा हो गया, ऐसा क्यों हुआ। पहले वाले में हमने फ्रेश वाटर ऐड किए थे और इसीलिए उस कंटेनर का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। दूसरा जो कंटेनर था हमारा, एक जो हमने बाहर रखे थे, उसमें डिक्रीज हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इवोपरेशन, उसका पानी इवोपरेट हो गया और इसलिए वो वहाँ पर पानी उसका कम हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द लो एंड हाई सैलिनिटी ऑफ द वाटर इन द कंटेनर। एक हम देख रहे हैं जो सी वाटर में, सॉरी जो सन में रखे थे हमने, उसका पानी इवोपरेट हो गया और उसको टेस्ट करेंगे हम तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी लगेगा। वेयर एज जो मिडल वाला है, जिसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किए थे, वैसे कि वैसे क्लासरूम में या घर में रखे थे, उसमें टेस्ट सेम रहेगा, और जो हमने फ्रेश वाटर ऐड किए थे उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम सलाइन रहेगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, जो कंटेनर बाहर रखा हुआ था उसमें हाई इवोपरेशन हुआ, हाई रेट ऑफ इवोपरेशन हुआ है, पानी ज़्यादा उसका पूरा इवोपरेट हो गया, इसलिए उसकी सैलिनिटी हाई है। जो अंदर रखा था उसमें इवोपरेशन नहीं हुआ और इस कारण से उसकी सैलिनिटी, उसमें जो सॉल्टी टेस्ट है वो कम है। सो दिस वे वी हैव ट्राइड टू डू एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी अबाउट द सैलिनिटी ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने क्या देखे कि अगर हम धूप में पानी को रखते हैं तो वो ज़्यादा सलाइन हो जाएगा, उसकी सैलिनिटी इंक्रीज होगी, और उसमें अगर हम फ्रेश वाटर ऐड कर देते हैं तो उसकी सैलिनिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट वी गेट द कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्टिविटी, व्हाट द एक्टिविटी वी हैव डन। इसका एक और सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, विल जस्ट गो थ्रू दैट एंड अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। अब हमें समझ में आ गया कि सन की हीट जो है इससे इवोपरेशन फास्टर होता है, इवोपरेशन के कारण वाटर जो है वाटर वेपर में टर्न हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती, और साथ ही साथ उसमें जो सॉल्ट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, दैट इज सैलिनिटी वहाँ पे इंक्रीज हुई। इन सीज, ऐसे सी जहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन हाई होता है दैन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, इफ़ यू नो इन इंडिया वी हैव हियर अरेबियन सी एंड हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल। इस बे ऑफ बंगाल में जो ईस्ट में फ्लो होती है रिवर्स, यहाँ पे ऐसे बहुत सारी रिवर्स फ्लो होकर आ रही हैं, लाइक रिवर गोदावरी, महानदी, देन कृष्णा एंड कावेरी, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ऐसे बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ पे अपना फ्रेश वाटर लाती है, इसलिए बे ऑफ बंगाल जो है इसकी सैलिनिटी कम है। वेर एज अरेबियन सी जो है यहाँ पे ऐसी कोई भी रिवर्स फ्रेश वाटर नहीं ला रही हैं और इसलिए इसकी सैलिनिटी कम है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन ऑल्सो। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल्सो वी सी दैट इन सीज वेयर द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एक्सीड्स द रेट ऑफ इवोपरेशन, अगर सेम
सब फ्रेश वाटर ज़्यादा आ रहा है, इवोपरेशन कम हो रहा है, टेम्परेचर उस जगह का कम है, तो वहाँ पे सैलिनिटी कम रहेगी. एंड सैलिनिटी इज़ नॉट अफेक्टेड मच इन सीज वेयर बोथ द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर इज़ लो. जहाँ पे सप्लाई भी फ्रेश वाटर का कम है, इवोपरेशन भी कम है, ऐसी जगह पर सैलिनिटी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो सैलिनिटी इज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सी वाटर. That's all for today. Thank you. Have a nice day.